Hello everyone, how are you all? Welcome to my YouTube channel. So today in this video I will be telling you people that whether attempt to commit suicide is punishable or not as per Indian Penal Code 1860. What is your answer? Yes, it is punishable as per section 309 of Indian Penal Code. Attempt to commit suicide is punishable. Kya matlab hai iska? 309 खोलो वेयर एक्ट में अपने और स्टार्ट रीडिंग अलोंग विद मी. सी, हूएवर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड एंड डज एनी एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ. यस, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने का, देन वो एक्ट जो है पनिशेबल है एज पर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 309. इट इज़ पनिशेबल विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट. और साथ में सिंपल इम्प्रिजनमेंट पहले कितने साल की? 1 साल की सजा हो सकती है और साथ में फाइन और विथ बोथ. रिमेंबर दिस, आप लोग खुद खोलो सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड का, साफ बोलता है वो ये. Give a reading to it and attempt to commit suicide is punishable. Remember that. ठीक है, abatement of suicide, is it punishable? Yes, आपने पढ़ लिया attempt to commit suicide is punishable. Now abatement of suicide, whether it is punishable or not, you people tell me below in the comment box. If you people have studied Indian Penal Code properly, तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पनिशेबल है या नहीं एज पर इंडियन पीनल कोड. ठीक है, अभी जो मैंने बोला अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पनिशेबल है, कौन बोलता है? सेक्शन 309 इंडियन पीनल कोड का. रिमेंबर दिस एंड यू पीपल डू ट्राई टू टेस्ट एंड स्कोर योर सेल्फ बाय सॉल्विंग द MCQs गिवन अंडर माय प्लेलिस्ट ऑफ लॉ MCQs मॉक टेस्ट. आप लोग जाइए उन MCQs को सॉल्व करिए और अपने आप को जज करो कितना आपको आता है. गॉट इट? एंड वॉच द अदर वीडियोज एज वेल इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड ईजी. थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.